सो हम देखते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स सब्जेक्ट के अंदर एक टॉपिक है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वर्ड समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि असेट मैनेजमेंट कंपनी कौन सी होती है. तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो होती है जो आपके फंड्स को मैनेज करती है. मतलब कि आप अपने फंड्स को अलग अलग इन्वेस्टमेंट के अंदर खुद जाके इन्वेस्टिंग करते हैं. वो आपके और उस इन्वेस्टमेंट के बीच में एक इंटरमीडियरी की तरह होती है. उसको हम असेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं जो आपके फंड्स को मैनेज करती है. और ये जो मैनेजमेंट करती है उसके लिए असेट मैनेजमेंट कंपनी एक मैनेजर को अपॉइंट करती है जिसको फंड मैनेजर कहते हैं, जो आपके फंड को मैनेज करता है. उसके बाद जो इंडेक्स होता है, जो इंडेक्स होता है, हम इंडेक्स को कभी भी खरीद नहीं सकते. इंडेक्स को क्यों नहीं खरीद सकते, क्योंकि जो इंडेक्स होता है वो स्टॉक्स नहीं होते. इंडेक्स जो होता है सिर्फ वो मार्केट कंडीशन को शो करता है कि मार्केट कंडीशन कैसी है. बिकॉज दे आर नॉट स्टॉक्स, इट जस्ट शो मार्केट कंडीशन, मार्केट के अंदर कंडीशन कैसी चल रही है. जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, हम इनको नहीं खरीद सकते. ये सिर्फ शो करता है कि मार्केट में कंडीशन कैसे चल रही है. जैसे निफ्टी के अंदर 50 शेयर्स इंक्लूडेड होते हैं, 50 कंपनी के शेयर्स इंक्लूडेड होते हैं जिनकी अलग अलग वेटेज होती है. तो उससे हमें पता चलता है कि निफ्टी बढ़ रहा है तो मार्केट की कंडीशन कैसी है. अगर निफ्टी कम हो रहा है तो मार्केट गिर रही है. ऐसे ही सेंसेक्स होता है जिसके अंदर 30 कंपनीज के शेयर इंक्लूड होते हैं. ऐसे निफ्टी बैंक होता है जिसके अंदर सिर्फ बैंक के शेयर इंक्लूड होते हैं. लेकिन सिर्फ इससे हमें यह पता चलता है कि मार्केट की कंडीशन कैसी है. हम इसको खरीद या बेच नहीं सकते क्योंकि ये स्टॉक नहीं होते, ये सिर्फ मार्केट कंडीशन को शो करते हैं. इसके लिए अगर हमें निफ्टी खरीदना है तो हम इस निफ्टी नहीं खरीद सकते. इसके लिए वर्ड जो होता है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. निफ्टी को जो रिप्लीकेट करेगा, जो एग्जैक्टली शो करेगा कि निफ्टी को अगर हम कहते हैं निफ्टी ETF खरीद रहे हैं, तो मतलब कि निफ्टी ETF का मतलब है निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. उस निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर आपकी असेट मैनेजमेंट कंपनी जो होगी एग्जैक्टली वही शेयर्स खरीदेगी जो निफ्टी के अंदर शो होते हैं और जितनी उनकी वेटेज है. अगर निफ्टी के अंदर 50 टाइप्स के अलग अलग शेयर्स हैं और उनकी जितनी वेटेज है उसके अंदर, उसी हिसाब से निफ्टी ETF खरीदा जाता है आपके असेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा. तो ETF जो होता है वो रेप्लीकेट करता है एग्जैक्टली वही इंडिसेस जो आपने खरीदा है. जैसे कि निफ्टी ETF, कि निफ्टी के अंदर जितने नंबर ऑफ शेयर्स थे और जितनी वेटेज के अंदर शेयर थे वही निफ्टी ETF के अंदर होंगे. एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वही जो मैंने एग्जांपल दिया कि सेम अमाउंट, जैसे हमने निफ्टी ETF बोला तो निफ्टी ETF के अंदर सेम अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय मैनेजर एज 50 कंपनीज हैव रेशियो इन निफ्टी. जितने रेशियो के अंदर वो 50 कंपनीज के शेयर शो होते हैं निफ्टी के अंदर, जो आपका फंड मैनेजर होगा, असेट मैनेजमेंट कंपनी होगी, वो आपके सेम एग्जैक्ट अमाउंट में जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स खरीदेगा. तो हम उसको उसका ETF बोल देंगे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. बट लेकिन क्या होता है कि जो निफ्टी है और जो निफ्टी ETF है उसके अंदर जो रिटर्न है वो हमेशा सेम नहीं होगी. अगर निफ्टी की वैल्यू मान लो 10,000 रुपीज है और 1 month के अंदर 10,500 होती है, तो निफ्टी ETF की जरूरी नहीं है कि वैल्यू जो है 10,500 ही होगी. उसके बीच में कुछ वेरियंस होगा, या तो कुछ कम होगी या कुछ ज्यादा होगी. जैसे मान लो 10,400 होती है, तो ये जो डिफरेंस होगा इसको हम ट्रैकिंग एरर बोलते हैं. निफ्टी ETF और निफ्टी के बीच में जो एरर, जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम ट्रैकिंग एरर बोलेंगे. और ये एरर, ये डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस के कारण ये डिफरेंस आता है. जो डिमांड एंड सप्लाई है उसकी, उन निफ्टी ETF की, उसके कारण ये एरर आता है. अब जो फंड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक्टिवली मैनेज फंड होते हैं और एक पैसिवली मैनेज फंड होते हैं. तो जो ETF होता है ये पैसिवली मैनेज फंड होता है. अब ये पैसिवली मैनेज फंड है तो इसको मैनेज करने के अंदर जो खर्चा है वो कम आएगा. जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है वो हमसे, हमारे को ये फंड को मैनेज करने के लिए कुछ एक्सपेंस लेती है जिसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं. तो ETF के केस के अंदर
एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर जो एक्सपेंस रेशियो होती है वो लेस होती है क्योंकि इसको मैनेज करने में कम मेहनत करनी पड़ती है। जैसे जैसे निफ्टी के हिसाब से या जोन सा भी आपने इंडेक्स खरीदा है, जैसे जैसे उसके अंदर रेशियो होती है डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स की, वैसे ही मैनेजर जो है वो इन्वेस्ट कर देता है, वो ज्यादा अपना यूज नहीं करता नॉलेज को कि मैं कौन सी इन्वेस्टमेंट के अंदर कौन से शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करूं। तो ये हमारा होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड।